ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, बल्कि फूलों के हार में ही धानी सुंदरता की मूरत लग रही है। अपनी शादी के हल्दी वाले दिन धानी ने सबको मजबूर कर दिया कि उसे हर कोई एक बार पलट कर जरूर देखे। आई लव इट, यू नो, मैं सीन में तो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में होती हूँ, लेकिन जैसे ही सीन और स्टूडियो के बाहर आती हूँ तो मैं संजीदा बन जाती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर दिस इज रूपाली गुहाज आइडिया। हमारी जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ही डिटेलिंग में काम करना पसंद करते हैं और सबके लुक पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है एंड आई एम श्योर ये उनका यही खूबसूरत आइडिया होगा एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अच्छा, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ये सब पहनना। यू नो, इट्स एक्चुअली मेड, उन्हें हाथ अपने हाथों से बनाया डिजाइनर्स ने, सो इट्स ब्यूटीफुल। और कुछ अच्छा और अलग करने को मिलता है तो अच्छा ही लगता है। वैसे जहां एक और ऑफ स्क्रीन धानी यानी कि संजीदा अपने लुक से खुश नजर आई, वहीं दूसरी ओर ऑन कैमरा उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई नजर आई। वो शादी भले ही पर्शिया से कर रही है, लेकिन दिल तो आज भी विप्लव के लिए ही धड़क रहा है। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। अपेरेंटली जो अभी हो रहा है, जैसे अभी जो हमने सीन शूट किया उसमें था कि पर्शिया को पुलिस पकड़ कर ली गई है बिकॉज कोई पुराना बिल्डर था, उसने केस कर दिया है। तो धानी एज यूजुअल मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। तभी जो पर्शा के दोस्त होते हैं वो फिर से विप्लव पे इल्ज़ाम लगाते हैं एंड आई एम लाइक फिर से मत करो ऐसा सब, बिकॉज अब तो मैं जेन्युइनली जानती हूँ कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस बार तो मैं गलती नहीं दोहराऊंगी और विप्लव ऐसा कर ही नहीं सकते। और फिर आगे वाले सीक्वेंस में पता चलता है कि विप्लव ही पर्शा को छुड़ा कर लेकर आते हैं एंड आई एम लाइक अगेन इन लव विद विप्लव। अब शादी होने वाली या नहीं होने वाली वो तो आपको देखना पड़ेगा शो। भाई धानी के दिल में चल रहे इस कश्मकश को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो शादी आखिर पर्शिया से करेंगी भी या नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही शादी कर रहे हैं लेकिन इनकी दूरियां अभी भी बनी हुई है। अब देखिए ना कैसे फोटोग्राफर ने जब इन्हें नजदीक आकर पोज देने के लिए कहा तो पर्शिया उस पर भड़क गए। भाई ये ड्रामा देखकर तो यही लग रहा है कि इनकी शादी काफी ड्रामेटिकल होगी। ये सारा ड्रामा दिखाएंगे हम, बस यूं ही स्टे ट्यून्ड।